सरला का पति ऑटो चलाता था। चलाता था क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सरला को गर्भवती अवस्था में छोड़कर उसका पति भगवान को प्यारा हो गया। अभी सरला के पास कोई नहीं है सिवाय एक उम्मीद के। उसके पेट में पल रहा बच्चा ही उसकी उम्मीद है। बेटा, तुझसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तू ही मेरी उम्मीद है बेटा, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। सरला की कोख में से उसका बेटा बोल उठता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मुझे बस बाहर आने दो, मैं आपका सारा दुख खत्म कर दूंगा। मुझे पता है बेटा, इसी उम्मीद पर तो मैं जिंदा हूँ। इसी तरह सरला अपने बेटे से बात करती रहती है और हर रोज अपने पति को ऑटो लेकर रास्ते में निकल जाती है। उसे ऑटो चलाना नहीं आता था, लेकिन पेट चलाने के लिए उसने किसी भी तरह ऑटो चलाना सीख लिया। चितपुर, मानिकगंज, बिलासपुरा, कहाँ जाएंगे साहब? आई साहब आइए। सरला ऐसे ही ऑटो चलाकर अपना पेट पालती है। उसके पास एक गाय का बछड़ा है, उसका नाम है मोती। सरला मोती से भी बहुत प्यार करती है। सुबह काम पर निकलते वक्त सरला मोती को खाना खिला कर जाती है। कुछ महीने बाद सरला के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। उसके पेट में से उसका बेटा कहता है, माँ, मेरे बाहर निकलने का वक्त हो गया है माँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ। सरला अस्पताल में भर्ती हो जाती है और उसकी डिलीवरी हो जाती है। सरला पहली बार अपने बेटे को गोद में लेती है और खुशी के आंसू रो पड़ती है। बेटा, तो कितना सुंदर है मेरा बेटा। लेकिन तभी डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं, देखिए सरला जी, आपके लिए मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर डॉक्टर साहब? आपके बेटे के दिल में एक छेद है। ये सुनकर सरला बिल्कुल टूट जाती है। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, मैं ठीक कह रहा हूँ, इसके दिल को निकाल कर एक नया हेल्दी दिल लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत है, पूरे 10 लाख रुपए। ये सुनकर सरला को सदमा लगता है। वो अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। पता नहीं आज मोती भी क्यों उदास है, शायद उसे भी पता चल गया है कि कुछ गड़बड़ है। सरला रोते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं तेरे लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम करके ही रहूंगी, मैं तुझे बचा कर ही रहूंगी। अगले ही दिन से सरला दिन रात मेहनत करने लगती है। वो सुबह के 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ऑटो चलाती रहती है। अपने बेटे को गोद में लिए हुए वो ऑटो चलाती है। एक दिन ऑटो में पैसेंजर बैठे हुए हैं और तभी उसका बेटा भूख के कारण रो पड़ता है। क्यों हुआ बेटा, भूख लगी है? साहब, मेरे बेटे को भूख लगी है, क्या मैं कुछ देर रुक सकती हूँ? इसे मैं जल्दी से खिला दूंगी। ये सुनकर एक पैसेंजर गुस्सा हो जाता है, क्या बकवास कर रही हो, हमें देर हो रही है, जल्दी से चलो वरना भाड़ा नहीं देंगे। सरला ऑटो रोक नहीं पाती, वो ऑटो चलाते हुए अपने बेटे को दूध पिलाती है। ऐसी कठिन स्थिति से सरला को जूझना पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सरला का बेटा बड़ा होने लगता है। उसका नाम बंटी है। वो बहुत ही ज्यादा शरारती हो जाता है। उसकी शरारतों से सरला परेशान हो जाती है। बंटी, शरारत मत करो बेटा, नहीं तो मैं डांट दूंगी। बंटी मोती के साथ भी खेलता है। मोती बछड़े से गाय बन जाती है और दूध देने लगी है। सरला देखती है कि पिछले 2 साल में वो बस कुछ ही पैसे बैंक में जमा कर पाई है, इसीलिए वो सुबह मोती से दूध निकालती है और उसे घर घर बेचने लगती है। दूध ले लो, दूध, ताज़ा ताज़ा दूध। दूध बेचने के बाद सरला बंटी को स्कूल भेजकर ऑटो चलाने निकल जाती है। ऐसे और कुछ साल बीत जाते हैं, बंटी 10 साल का हो जाता है। एक दिन अचानक स्कूल में बंटी के सीने में दर्द होने लगता है। वो सीना पकड़ कर बैठ जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। ये खबर सुनकर सरला भी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अब जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, अभी तक तो सिर्फ 3 लाख रुपए ही जमा हुए हैं। देखिए, इन 10 सालों में महंगाई बढ़ चुकी है, इसीलिए अब ऑपरेशन में 10 लाख नहीं 15 लाख रुपयों की जरूरत है। सरला बहुत चिंता में पड़ जाती है। वो सुबह दूध बेचती है, पूरा दिन ऑटो चलाती है और रात को एक होटल में वेटर का काम ले लेती है। लेकिन उस होटल में दारू भी बिकती है। लोग दारू पी कर सरला के साथ बदतमीजी करने लगे। अरे ब्यूटीफुल औरत, तुम काफी सुंदर हो, क्या तुम आज मेरे साथ मेरे घर पे चलोगी? नहीं नहीं साहब, मैं वैसी नहीं हूँ। अरे चलो ना, अच्छे खासे पैसे दूंगा। सरला मना कर देती है। वो इन सब लोगों से दूर रहने की कोशिश करती है। वो रात के 3 बजे घर लौटती है और सिर्फ 2 घंटे सोकर फिर से दूध बेचने निकल पड़ती है। लेकिन इतनी मेहनत का कोई फल नहीं होता। बंटी के दोस्त स्कूल में बंटी को चिढ़ाने लगते हैं। अरे तेरी माँ तो दारू बेचती है, दारू। अब से हम तुझसे बात नहीं करेंगे। बंटी को बहुत बुरा लगता है और वो घर लौटकर सरला से झगड़ा करता है। सरला बस चुपचाप रोती है।
इस बच्चे को क्या पता कि उसकी माँ ये सब क्यों कर रही है। बंटी स्कूल जाना छोड़ देता है और स्कूल जाने के बहाने इधर उधर घूमता रहता है। वो गलत संगत में पड़ जाता है, उसके नए दोस्त बनते हैं। ये बच्चे नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं और जुआ खेलते हैं। एक दिन ऑटो चलाते वक्त सरला बंटी को सिगरेट और दारू पीते हुए देख लेती है। घर लौटकर सरला बंटी को दो थप्पड़ मारती है। तुझे शर्म नहीं आई सिगरेट पीते हुए? मैं यहाँ तेरे लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ और तू दारू और सिगरेट पी रहा है, तो क्या हो गया? अरे बेवकूफ, तेरे दिल में छेद है, नशा करेगा तो और भी जल्दी मर जाएगा। ये चीजें तुझे समझ में नहीं आती क्या? ये बोलकर सरला बंटी को पकड़कर रोने लगती है। ये सब मत कर बेटा, तू तो मेरा अच्छा बेटा है, तेरे बिना और कौन है मेरा। लेकिन बंटी नहीं सुधरता। उधर दिन में 22 घंटे काम करने के बावजूद भी सरला बहुत ज्यादा पैसों का इंतजाम नहीं कर पाती है। उसके पास अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए ही जमा हुए हैं। एक दिन सरला एक सुनसान सी जगह पर बैठकर ये सभी सोच रही होती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाऊंगी? सरला रोती रहती है। तभी एक लड़का आता है और कहता है, जल्दी चलिए, बंटी को दौरे पड़ रहे हैं, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर सरला तुरंत ऑटो लेकर जाती है और देखती है कि बंटी रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। सरला तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में उसे होश तो आता है लेकिन वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए अभी ऑपरेशन ना करने से आपका बेटा और जिंदा नहीं रह पाएगा। सरला को समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो कई बैंक में लोन मांगने जाती है लेकिन एक ऑटो चलाने वाली को कौन लोन देगा। वो लोगों से उधार मांगती है लेकिन कोई उसे उधार देने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या करेगी अपने बेटे को ठीक करके? उसे तू ठीक करेगी और वो नशा करके फिर से बीमार पड़ जाएगा। सरला सोचती है कि ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है किसी का दिल खरीदने के लिए, इसलिए सरला डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब आप मेरा दिल खोलकर मेरे बेटे के शरीर में लगा दीजिए। क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब सही कह रही हूँ, एक बेटे के लिए उसकी माँ ये तो कर ही सकती है। सरला डॉक्टर साहब को मना लेती है। ऑपरेशन में सिर्फ 2 लाख खर्च होंगे। सरला सोचती है कि बाकी 3 लाख बंटी के भविष्य के लिए भी रहेंगे। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, सरला का दिल निकाल कर बंटी के दिल की जगह लगा देते हैं। सरला का देहांत हो जाता है, सरला को दफन कर दिया जाता है। 2 दिन बाद बंटी को होश आता है, अब वो ठीक से सांस ले पा रहा है। होश आते ही वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है। माँ, माँ कहाँ हो आप? देखो देखो मैं सांस ले पा रहा हूँ। माँ, डॉक्टर साहब मेरी माँ कहाँ है? चलो बेटे, मैं तुमको तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब बंटी को सरला की कब्र के पास ले गए। बंटी रो पड़ा। माँ 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 आप कहाँ हो? माँ माँ मुझसे बात करो, माँ मुझसे बात करो। तभी कब्र के अंदर से सरला की आत्मा निकल कर आई। बेटा मैं यही हूँ, तेरे अंदर जो दिल धड़क रहा है वो मेरा ही है। माँ आपने ऐसा क्यों किया? माँ मुझे बचाने के लिए आपने अपनी कुर्बानी क्यों दे दी? मैं तो माँ हूँ ना, माँ ऐसी ही होती है। बेटा मुझसे वादा कर, आज से तू नशा नहीं करेगा, पढ़ाई करेगा और जिंदगी में बड़ा आदमी बनेगा। मैं वादा करता हूँ माँ, लेकिन आप लौट आइए। पागल, मैं नहीं लौट सकती। बेटा तू जब बड़ा कुछ बन जाएगा तभी मुझे शांति मिलेगी, ये बात याद रखना। मैं जा रही हूँ, ठीक से रहना मेरा अच्छा बेटा। सरला की आत्मा अदृश्य हो जाती है। बंटी रोता रहता है। ऐसे ही एक माँ अपने बेटे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। शायद माँ सच में ऐसी ही होती है। बंटी को तो पता चल गई ये बात और उसके साथ साथ हमें भी। रमेश रास्ते से पैदल चलकर कहीं जा रहा है मगर रास्ते में उसका ध्यान नहीं है। आखिर खाली पेट ध्यान रह भी कैसे सकता है? वो कल रात से भूखा है, ऊपर से आज सुबह से उसे कोई काम भी नहीं मिला। घर पर उसकी पत्नी और बेटियां भूखे हैं। यही सारी चिंताएं उसके दिमाग में चल रही है। इतने में रमेश रास्ता पार करने जाता है। सर पर चिंता का बोझ लेकर वो गाड़ी की तरफ देखना भूल ही जाता है और इतने में रमेश एक बस से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। आसपास के लोग रमेश को लेकर अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर साहब देखते हैं कि रमेश का दाहिना हाथ टूट गया है। डॉक्टर साहब उसके दाहिने हाथ में प्लास्टर कर देते हैं और रमेश उसी हालत में घर पहुंचता है। बच्चों, मैं आ गया। रमेश घर के अंदर जाता है। इसे घर बोलना गलत ही होगा, असल में ये एक झोपड़ी है। रमेश अपनी पत्नी सरला, 5 साल की बेटी राधा और एक नवजात बेटे के साथ यहाँ रहता है। ऊपर से सरला फिर से गर्भवती है। रमेश हर रोज मजदूरी के लिए बाहर जाता है, कभी उसे काम मिलता है और कभी नहीं मिलता। जिस दिन काम नहीं मिलता है उस दिन घर में सभी खाली पेट सो जाते हैं। आज भी कुछ वैसा ही दिन है। ऊपर से रमेश हाथ तुड़वा कर घर आया है।
उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी पत्नी सरला और राधा घबरा जाते हैं। ये क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ है आपको? हाँ जी, ये क्या हुआ, हाथ कैसे टूट गया? रमेश दोनों को सब कुछ बताता है, मगर तभी रमेश का नवजात बेटा जोर जोर से रोने लगता है। अरे सरला, ये क्यों रो रहा है? इसे भूख लगी है, मगर घर में दूध ही नहीं है। सुनो जी, क्या कुछ भी पैसे नहीं है? हम लोग तो खाली पेट सो जाएंगे, मगर ये तो बच्चा है, ये तो गरीबी नहीं समझता है ना। क्या आप इसके लिए कहीं से थोड़ा दूध ला देंगे? दूध? ठीक है, मैं देखता हूँ कि मेरे पास और कितने पैसे रह गए हैं। ये बोलकर रमेश एक गुल्लक से पैसा निकालता है, मगर उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे। रमेश वही लेकर दुकान की तरफ चल पड़ता है, और तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है, जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। रमेश मन ही मन कहता है, लगता है बहुत जोर की तूफान आने वाली है, क्या करूं, घर लौट जाऊं क्या? नहीं नहीं, आज दूध लेकर ही घर लौटूंगा। रमेश के पास जितना पैसा था उसमें मुश्किल से उसे एक छोटा सा दूध का पैकेट मिलता है। वो लेकर रमेश घर की ओर चलने लगता है, और तभी भयानक तूफान और साथ ही साथ खतरनाक बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे, ये क्या, आज तो कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है, और साथ में इतना तूफान, क्या करूं? इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, हाँ, बारिश धीमी होने से ही घर जा पाऊंगा। रमेश एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, मगर बारिश कम होना तो दूर की बात है, उल्टा बारिश और बढ़ने लगती है, और इतनी तेज हवा चलने के कारण एक पेड़ से लकड़ी टूटकर रमेश के माथे पर गिरती है, और रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ से वो दूध का पैकेट गिरकर फट जाता है। उधर सरला और राधा रमेश की राह देख रहे हैं। सरला का बेटा रोए ही जा रहा है। राधा घबरा कर कहती है, माँ पिताजी कहाँ रह गए, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। वही तो मैं भी सोच रही हूँ बेटी, पता नहीं कहाँ फंस गए वो, इतनी रात हो गई है और ऊपर से इतनी तेज बारिश, लगता है ये बारिश आसानी से रुकने वाली नहीं है। और तभी जोर से बिजली कड़क उठती है। राधा डर के मारे अपनी माँ को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, माँ माँ मुझे डर लग रहा है, माँ मुझे डर लग रहा है। सरला का बेटा डर के मारे और जोर से रोने लगता है। इस हालत में सरला बेचारी करे तो क्या करे, वो बस भगवान को बुलाने लगती है, हे भगवान ये बारिश रोक दीजिए भगवान, हम जैसे गरीब लोगों के पास अच्छा घर नहीं है, ये घर कभी भी टूट सकता है, तब हम कहाँ जाएंगे भगवान, इनके पिता भी यहाँ पर नहीं है, दया कीजिए भगवान दया कीजिए। सरला भगवान से दया की भीख मांगने लगती है, मगर कहते हैं ना, प्रकृति के सामने हम मनुष्य तो बेबस हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, हवा के एक झोंके से लकड़ियों से बनी हुई घर की छत टूट कर बिखर गई, और घर के अंदर पानी आने लगा। राधा सरला सभी घबरा जाते हैं। सरला कहती है, बेटी ये घर अब घर नहीं रहा, लगता है बाढ़ आने वाली है, चल बेटी यहाँ से चलते हैं। यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन पिताजी, अगर हम जिंदा रहे तो तेरे पिताजी कभी ना कभी मिल जाएंगे, मगर यहाँ और कुछ देर रहे तो हम सब लोग मर जाएंगे। ये बोलकर सरला जरूरत के कुछ सामान पोटली में बांधकर घर से बाहर निकल जाती है। वो गर्भवती है, उसका बेटा उसकी गोद में है। राधा पोटली लेकर सरला का एक हाथ पकड़े हुए है। राधा और सरला की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मगर अभी रोने धोने का समय नहीं है। वो लोग घर के बाहर आते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। अब क्या होगा माँ, इतने पानी में तो मैं डूब जाऊंगी, मुझे तो तैरना नहीं आता। एक काम कर बेटी, तू मेरे कंधे पर चढ़ जा। राधा सरला के कंधे पर चढ़ जाती है, एक हाथ में पोटली, गोद में नवजात बच्चा, और कंधे पर अपनी बेटी को लेकर गर्भवती सरला पानी में उतर जाती है। उसकी कमर तक पानी है, ऊपर से भयंकर बारिश हो रही है। ऐसे ही भीगते हुए वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, एक माँ का फर्ज निभाने के लिए खुद पानी में डूबकर किसी भी तरह इस इलाके को छोड़कर जाने की कोशिश कर रही है। राधा को एहसास होता है कि माँ होना क्या है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक ममता का एहसास है, एक भरोसा है, एक उम्मीद की किरण है। माँ आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना माँ? नहीं बेटी, तकलीफ क्यों होगी, चिंता हो रही है। तुम लोगों को बस एक सुरक्षित जगह पर ले चलूं, बस इतना ही चाहती हूँ। सरला चलती रहती है। उधर रमेश को जब होश आता है तब वो देखता है कि वो पानी में तैर रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग पानी में तैरते हुए इधर उधर जा रहे हैं, कोई नाव में सामान लेकर जा रहा है तो कोई लकड़ी से बनाए हुए भेले में। ये सब देख कर रमेश के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है, चारों तरफ पानी ही पानी है, बाढ़ आ गई है, अब मैं क्या करूं? सरला कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है? सरला, राधा। रमेश एक हाथ से तैरते हुए अपने घर की तरफ जाता है, मगर देखता है कि घर का कोई नामो निशान नहीं है, बाढ़ ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। ये देखकर रमेश की बची कुछ शक्ति खत्म हो जाती है और वो रो पड़ता है।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां ढूंढूं उन लोगों को, मेरे परिवार को? हे भगवान, आपने इस गरीब से सब कुछ छीन लिया, परिवार छीन लिया, क्या भगवान क्यों? रमेश अंदर से टूट गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। उधर पूरी रात चलने के बाद सुबह सरला को सूखी जगह दिखती है। सरला चलते चलते उस सूखी जगह पर पहुंचती है। राधा कंधे से उतरती है और अपने भाई को गोद में ले लेती है, और तभी सरला बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ, कोई देखिए ना, मेरी माँ बेहोश हो गई है, देखिए ना। मगर कोई नहीं आया। राधा देखती है उसकी माँ को बहुत तेज बुखार आया है, और उसका भाई भी बुखार से तड़प रहा है। राधा छोटी बच्ची है, वो अब क्या ही कर सकती है? आसपास तो कोई जगह भी नहीं है जहाँ ये लोग थोड़ी देर के लिए रह सके। राधा ये सब सोचकर घबरा जाती है, उसे लगता है कि अब वो लोग ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे। रमेश भी यहाँ पर नहीं है। ये सब सोचकर राधा रोने लगती है। पिताजी, पिताजी आप कहाँ चले गए? पिताजी आप यहाँ होते तो हमें ऐसे तड़पना नहीं पड़ता। लगता है अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। पिताजी आप जहाँ भी होंगे अपना ख्याल रखना। राधा रोती ही जाती है, और रोते रोते वो भी बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तीनों बेहोश पड़े हैं, इन लोगों को अस्पताल लेकर जाना होगा। दोनों आदमी एक गाड़ी लाते हैं और उनमें तीनों को अस्पताल ले जाते हैं। असल में ये लोग एनजीओ से हैं, बाढ़ में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आए हैं। अस्पताल में तीनों की चिकित्सा की जाती है, और उसके बाद तीनों को होश आता है। सरला उस आदमी को धन्यवाद देती है। पता नहीं आप कौन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। आज अगर मेरे पिता यहाँ होते तो वो भी हमारे लिए यही करते, आप भी मेरे पिता जैसे हैं। ये सुनकर उस आदमी की आंखें भर उठती हैं। उसको उसकी मरी हुई बेटी का चेहरा याद आ जाता है। वो आदमी कहता है, असल में मेरी एक बेटी थी, मैं पहले बहुत शराबी हुआ करता था। एक दिन मैं शराब पीकर पड़ा हुआ था, और ऐसे ही बाढ़ आई और मेरी बीवी और बेटी बाढ़ में बह गए। उसके बाद से मैंने शराब छोड़ दिया और एनजीओ में काम करने लगा। तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। बेटी क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? घर? हमारे पास तो अभी कोई घर नहीं है। हाँ साहब, हमें एक घर की जरूरत है, और मुझे एक काम की, मैं आपके घर पर काम करूँगी। ठीक है, और मैं आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करूँगा। वो तीनों उस आदमी के घर चले जाते हैं। राधा पढ़ाई करने लगती है, सरला काम करने लगती है। कुछ महीनों बाद सरला को एक बेटी भी होती है। सब लोग खुश हैं, मगर इन सब के बीच में भी राधा अपने पिता को याद करके रोती है। कहाँ है उसके पिता? एक दिन काम खत्म करने के बाद सरला तीनों बच्चों को लेकर शहर के रास्ते में घूमने के लिए निकलती है, और तभी एक भिखारी उनके पास भीख मांगने के लिए आता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। सरला भिखारी की तरफ मुड़ती है, और वो भिखारी सरला को देखने के बाद रो पड़ता है। सरला, सरला तुम? आप यहाँ? असल में ये भिखारी और कोई नहीं बल्कि रमेश है। पानी में बहते बहते रमेश शहर पहुँच जाता है और भीख मांगना शुरू करता है। उसे लगता था कि सरला और बच्चियाँ पानी में बह गए हैं, मगर आज उन लोगों को सामने देख कर रमेश अपने आंसू नहीं रोक पाता है। राधा को अपने पिताजी मिल जाते हैं। एक परिवार के बीच में एक अटूट रिश्ता होता है। वो रिश्ता प्यार का है, प्यार का बंधन। उस प्यार ने ही फिर से सबको मिलाया है। सरला रमेश को उस आदमी के घर ले जाती है। वो आदमी बच्चों को स्कूल में भर्ती करवा देता है। ऐसे ही जिंदगी की परीक्षा में खरे उतरने के बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।